दिल्ली तो आ गए पर एम्स नहीं मिल रहा। रुक 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 रुक, इसको पूछते हैं। यार एम्स किधर है? सिद्धि जान दे। आज हम एक ऐसे वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में सही जानकारी गूगल पर तक नहीं है। एम्स के बारे में सारी डिटेल आज हम देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, चाहे उसका कैंपस टूर हो, हॉस्टल टूर, फीस, कट ऑफ, एस्टेब्लिश्ड ईयर और पेशेंट लोड, सर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एम्स की जानकारी का थोड़ा सा इंट्रो तो हो जाए। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, 2 जून 1956 भारत का पहला एम्स की स्थापना हुई। एम्स की स्थापना राजधानी न्यू दिल्ली में की गई। उत्कृष्ट शिक्षा और रिसर्च के लिए, पर इतनी सारी आबादी में भारत में एकमात्र एम्स काफी नहीं था, इसलिए 2003 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा PMSSY के तहत एम्स बनाए गए, जो कि 2012 तक फुल्ली फंक्शनल हो गए। माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि प्रत्येक राज्य में एक एम्स हो, और उसी के चलते भारत का मानचित्र कुछ इस तरह से हो गया। और वर्तमान में भारत में कुल 20 एम्स फुल्ली फंक्शनल है और 4 एम्स का निर्माण कार्य जारी है। तो शुरुआत करते हैं एम्स न्यू दिल्ली से। सबसे पहले इसकी नॉर्मल सी जानकारी मैं बता देता हूँ। 2 जून 1956 में इसकी स्थापना हुई। 100 एकड़ का इसका कैंपस है और 6.88 फीस है। कई एम्स कॉलेजों की 5.6, किसी की 5.8 होती है। गूगल पर भी इसकी जानकारी सही नहीं दी गई है। हर कॉलेज की फीस 5,000 से 6,000 के बीच में होती है और इसकी फीस है 6.88, यानी कि 6,880, जो कि कंप्लीट कोर्स, यानी कि पूरे MBBS कोर्स की फीस है। और 100 एकड़ का कैंपस है। पेशेंट लोड 10,000 पर डे है। जितनी भी जानकारी मैं दे रहा हूँ पेशेंट लोड की, वो पर डे कर लेते हैं। इसके कट ऑफ की, इसका सभी को इंतजार है। कट ऑफ है UR यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 705, EWS कैटेगरी के लिए 695, OBC कैटेगरी के लिए 691, SC 680 और ST कैटेगरी के लिए 660। सेकेंड नंबर पर कॉलेज है एम्स भोपाल। 2012 में तो बहुत सारे कॉलेज बने थे, पर आप सोच रहे होंगे कि इसको मैंने सेकेंड पर क्यों रखा। एम्स भोपाल एकमात्र ऐसा है जिसमें सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई है पिछले सालों में और एम्स कॉलेज की तुलना में, आफ्टर एम्स न्यू दिल्ली। तो एम्स न्यू दिल्ली के बाद एम्स भोपाल को इसलिए रखा है, ये हमेशा सेकेंड रैंक में जाता है और कट ऑफ भी लगभग उसका उसी के आसपास रहता है। इसकी इस्टेब्लिश्ड ईयर यानी कि स्थापना कब हुई थी? 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। फी 5.5K, फुल कोर्स की फीस है। कैंपस एरिया 150 एकड़। पेशेंट लोड 5,000 पर डे। अब बात करते हैं इसकी कट ऑफ की। UR कैटेगरी के लिए यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 680 का कट ऑफ है और 665 है EWS कैटेगरी के लिए, OBC कैटेगरी के लिए 656 और SC कैटेगरी के लिए 611 और ST कैटेगरी के लिए 600। तो थर्ड नंबर पर जो कॉलेज है उसका नाम है एम्स भुवनेश्वर। अब जो लोग ओडिशा टाइप यानी कि जो लोग साउथ में रहते हैं, केरल, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु, वो लोग इस कॉलेज को ज़्यादा पसंद करते हैं और मेरे हिसाब से भी जो साउथ कल्चर से हैं उनको अभी भुवनेश्वर ही चुनना चाहिए। स्थापना 2012 में हुई थी, जो कि फेज 2 के अंतर्गत हुई थी। फीस इसकी 5.5K फुल कोर्स की फीस है, यानी कि 5,500 रुपये। 100 एकड़ का इसका कैंपस है। 5,000 पर डे का पेशेंट लोन है, जो कि वेरी करता रहता है। UR कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए इसके लिए कट ऑफ है 690, EWS के लिए 671 और OBC के लिए 673, SC कैटेगरी के लिए 635 और 578 है ST कैटेगरी के लिए, जो कि लास्ट कट ऑफ है, जो कि जितने भी मैंने बताए थे और जो कि लास्ट ईयर के हैं यानी कि नए नए।
राजस्थान से है जो कि है एम्स जोधपुर। अब जो कि राजस्थान से नीट एस्पिरेंट्स से हैं, जो कि सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी यही रहती है कि एम्स जोधपुर में एडमिशन हो जाए। तो सबसे पहले उसकी नॉर्मल सी जानकारी बता देता हूँ मैं। 2012 में इसकी स्थापना हुई थी सेकंड फेज के अंतर्गत। फीस इसकी 5.5K, फुल कोर्स की फीस है 5.5 लाख की। कैंपस एरिया 170 एकड़ है और एम्स की तुलना में थोड़ा ज़्यादा है इसका कैंपस एरिया। पेशेंट लोड 5K और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे, इसकी बिल्डिंग्स वगैरह देखेंगे तो काफ़ी अच्छी बनाई गई है राजस्थान के हिसाब से। यूआर कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए इसका कट ऑफ रहा है 685 675 रहा है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 675, ओबीसी कैटेगरी के लिए भी सेम रहा है 628, एससी कैटेगरी के लिए 605, एसटी कैटेगरी के लिए रहा है। अगला कॉलेज है यूके से यानी कि उत्तराखंड से, यूनाइटेड किंगडम से, एम्स ऋषिकेश। और जहाँ पर ब्यूटीफुल या फिर नेचर की बात होती है तो एम्स ऋषिकेश हमेशा उसका नाम आता है। गंगा नदी के किनारे पर बना हुआ है, एक तरफ उसका एक तरफ पहाड़े हैं, दूसरी तरफ अगर आप एम्स ऋषिकेश का कैंपस देखेंगे तो काफ़ी नेचर से वो कर पाएंगे, काफ़ी अच्छा कैंपस बना है इसका नेचर से। नॉर्मल सी जानकारी बता देता हूँ उसकी। 2012 में फेज टू के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ था। 5.8K फुल कोर्स MBBS की फीस है। 200 एकड़ का कैंपस है, काफ़ी बड़ा कैंपस है इसका। 3K पेशेंट लोड, अब जो कि पुराना डाटा है तो नए डाटा में कम से कम 5,000 से 6,000 पर डे पेशेंट लोड है एम्स ऋषिकेश। यूआर कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 680 मार्क्स रहे हैं नीट का कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस के लिए 670, ओबीसी के लिए 661, एससी के लिए 611 और एसटी के लिए 582। नंबर 6 पर है बिहारी कॉलेज यानी कि एम्स पटना। स्थापना इसकी 2012 यानी फेज 2 के अंतर्गत हुई थी। 6K कंप्लीट MBBS कोर्स की फीस है इसकी। कैंपस एरिया 134 एकड़ में फैला हुआ है ये कैंपस। 3K यानी कि 3,000 पर डे पेशेंट लोड है इसका और इसका जो फेस्ट होता है वो काफ़ी बिग बजट का होता है, जो कि उस एरिया में यानी बिहार से यूपी से काफ़ी लोग जाते हैं उसके मेडिकल से संबंधित। यूआर कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए इसका कट ऑफ रहा है 664, 660 रहा है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 660, ओबीसी कैटेगरी के लिए भी सेम रहा है और एससी कैटेगरी के लिए 589 रहा है एसटी कैटेगरी के लिए। नंबर का कॉलेज है एम्स रायपुर, छत्तीसगढ़ में है एम्स रायपुर। और इसकी नॉर्मल सी जानकारी जैसे कि ये भी फेज टू में कुल 6 बने थे एम्स और उसी में ये एम्स रायपुर भी था और रैंकिंग में थोड़ा तो नीचे है क्योंकि इसकी जो रिसर्च और बहुत सारी चीज़ें हैं वो बाकी एम्स कॉलेजों की तुलना में थोड़ी तो कम है। इस्टेब्लिश ईयर 2012, 5.5K फुल फीस रही है इसकी और 103 एकड़ का ये कैंपस है। फेस्ट ओरियाना है इसका और जो कि एनुअल फेस्ट होता है, जो कि इंटर कॉलेज फेस्ट होता है और भी कॉलेजों के लोग आते हैं इस फेस्ट में। और यूआर कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 675 कट ऑफ रहा है। 665 है वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, 664 ओबीसी कैटेगरी के लिए, 610 एससी कैटेगरी के लिए, 596 एसटी कैटेगरी के लिए रहा है एम्स रायपुर।
अगला कॉलेज है यूपी से। यूपी में दो कॉलेज हैं, एम्स के गोरखपुर और रायबरेली। और इस कॉलेज को स्थापना 2013 में होनी थी, पर वो किसी कारण की वजह से हो ना पाई, तो 2018 में इसकी स्थापना हुई थी और पहली बैच गई थी। तो ये कॉलेज इसलिए थोड़ा आगे रखा है, बाकी 2019 जैसे कि गोरखपुर एम्स से थोड़ा आगे इसलिए रखा है क्योंकि इसकी स्थापना उन कॉलेजों की तुलना में थोड़ा पहले हुई थी। अब बात करते हैं इसकी फीस, 5.8K पर पूरा कोर्स की फीस है। कैंपस एरिया 150 एकड़ का, फेस्ट इसका एफिनिटी होता है और इसकी कट ऑफ है 649 UR, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए। EWS के लिए 641 और OBC कैटेगरी के लिए 646। 557 है SC कैटेगरी के लिए, 533 ST कैटेगरी के लिए रहा है। क्या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया? नहीं। खैर ये तो MBBS है। अगर आप इससे रिलेटेड और नीट से रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। अगला कॉलेज है महाराष्ट्र का नागपुर, एम्स नागपुर। स्थापना उसकी 2018 में हुई। 150 एकड़ का इसका कैंपस है। फी 5.8 एकड़ वही है जो कि सभी एम्स की रहती है। बेस्ट हेलुसिया। एम्स नागपुर का कट ऑफ UR यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 665 है, EWS के लिए 659 और 658 है, OBC कैटेगरी के लिए 593, SC कैटेगरी के लिए और 563 ST कैटेगरी के लिए। दसवें नंबर का कॉलेज है आंध्र प्रदेश से और उसका नाम है एम्स मंगलागिरी। 2018 में इसकी स्थापना हुई थी। 6K यानी कि 6000 पूरे फुल कोर्स की फीस है। कैंपस एरिया है 183 एकड़ का। कोलोक्वियम इसका फेस्ट है, एनुअल फेस्ट। 653 UR यानी कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है। EWS का 647, OBC का 642, 616 है SC कैटेगरी, 564 SC कैटेगरी ST कैटेगरी के लिए रहा। तो 11वें नंबर का कॉलेज है यूपी से ही है, उसका नाम है एम्स गोरखपुर। 2019 में इसकी स्थापना हुई और 2019 में सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड एम्स गोरखपुर ही है। और 5.3K इसकी पूरे कोर्स की फीस है MBBS की, 112 एकड़ कैंपस एरिया है इसका और फेस्ट है नहाता, अनहाता ये क्या है, नहाता। UR यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए इसका कट ऑफ है 649 है EWS कैटेगरी का, OBC कैटेगरी के लिए 650, SC कैटेगरी के लिए 569 और 538 है ST कैटेगरी के लिए। बारहवें नंबर का कॉलेज है अपने पंजाब से, भटिंडा, एम्स भटिंडा नाम है। इस्टेब्लिश्ड हुआ था ये 2019 में। 5.88K यानी कि 5 साल की फीस है फुल कोर्स की, 5.5 साल। कैंपस एरिया 177 एकड़ का है और 4K पेशेंट लोड, 5K ये भी डिफर करता लगा। एम्स भटिंडा के लिए कट ऑफ की बात करें तो 663 इसका कट ऑफ है UR यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए। EWS कैटेगरी के लिए
657 ओबीसी कैटेगरी के लिए 656 और 589 है एससी कैटेगरी और 553 है एसटी कैटेगरी का कट ऑफ। तेरह नंबर पर जो कॉलेज है वो है तेलंगाना स्टेट के एम्स बीबी नगर या फिर एम्स हैदराबाद। एम्स हैदराबाद का कट ऑफ है यूआर कैटेगरी के लिए 651, 641 है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए 641 सेम है और एसटी कैटेगरी के लिए 569, एसटी कैटेगरी के लिए 549। और इसकी कॉलेज डिटेल्स है जिसकी 2019 में इसकी स्थापना हुई थी। फीस है 5.3 के फुल कोर्स की, 200 एकड़ का कैंपस है जो कि काफ़ी बड़ा है बाकी एम्स की तुलना में। तेलंगाना स्टेट में चौदह नंबर पर जो कॉलेज है उसका नाम है एम्स कल्याणी, पश्चिम बंगाल राज्य से है और इसकी स्थापना 2019 में ही हुई थी। 5.8 के 5 ईयर की फीस है, 180 एकड़ का ये पूरा कैंपस है, आपने शुरू में देखा ही होगा। वेस्ट बंगाल राज्य से है और 649 इसका यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 642 और ओबीसी कैटेगरी के लिए 643 और 570 यह है एससी कैटेगरी के लिए, 533 यह है एसटी कैटेगरी। पंद्रह नंबर पर है एम्स देवघर। इसकी खास बात यह है कि ये सबसे बड़ा कैंपस है सारे एम्स में और इसकी बिल्डिंग भी काफ़ी शानदार है। इसकी स्थापना भी 2019 में हुई थी। 5.5 के फुल कोर्स की फीस है इसकी और 236 एकड़ का जो काफ़ी बड़ा कैंपस है। स्टेट है झारखंड। एम्स देवघर की बात करें इसके कट ऑफ की तो 640 इसका कट ऑफ है, 636 है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए भी सेम है 636, 544 है एससी कैटेगरी के लिए और 524 है एसटी कैटेगरी के लिए। सोलहवें नंबर का कॉलेज है गुजरात एम्स राजकोट। स्थापना इसकी 2020 में ही हुई थी। 5.5 के इसकी कंप्लीट एमबीबीएस की फीस है। कैंपस एरिया 201 एकड़ का है। स्टेट गुजरात। एम्स राजकोट का कट ऑफ की बात करें तो 642 इसका यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम ही है, 633 इसका है ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ, 557 इसका है एससी कैटेगरी का कट ऑफ और 503 इसका है एसटी कैटेगरी का कट ऑफ। असम स्टेट में आईआईटी गुवाहाटी तो काफ़ी प्रसिद्ध है पर एम्स गुवाहाटी 2020 में बनाया गया जिसकी फीस है 5 से 6 के फुल कोर्स की। कैंपस एरिया 189 एकड़ और असम स्टेट में है। 5 से 6 के मतलब 5,000 से 6,000 एम्स गुवाहाटी का कट ऑफ है 640 यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी का, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की है 635 और ओबीसी कैटेगरी का भी सेम ही है 635।
549 है एससी कैटेगरी का और 531 है एसटी कैटेगरी का। अगला कॉलेज तो अपने हिमाचल प्रदेश से ही है, एम्स बिलासपुर 18वें नंबर पे है। 2020 में इसकी स्थापना हुई थी। 5 से 6 के इसकी 5 साल की यानी कि कंप्लीट एमबीबीएस की फीस है, यानी कि 5 से 6 हज़ार। 250 एकड़ का कैंपस है और हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। एचपी यूआर यानी कि 650 जनरल कैटेगरी का इसका कट ऑफ है। ईडब्ल्यू इसका है 643 और 643 है ओबीसी कैटेगरी का, एससी का 556 और एसटी कैटेगरी का 532 कट ऑफ है एम्स बिलासपुर का। नंबर पर कॉलेज है जम्मू यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से है कॉलेज और इसकी स्थापना 2020 में हुई थी। 5.5 के ये पूरी कोर्स की फीस है। कैंपस एरिया 226 एकड़ का है। लोकेशन इसकी है जम्मू में। और बात करते हैं इसकी कट ऑफ की, तो बाकी कॉलेज की तुलना में इसका कट ऑफ काफ़ी कम रहा है। 639 है जैसे कि यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी का। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 634। 635 है ओबीसी कैटेगरी का और एससी कैटेगरी का 540। 524 है एसटी कैटेगरी का कट ऑफ। अगला जो कॉलेज है वो जो कि 20वें नंबर का है, एम्स मदुरई है और इसका डेट सिर्फ 2021 में इसकी फर्स्ट बैच गई थी। बाकी कॉलेज 2020 में चली गई थी, ये 2021 में पहला ऐसा कॉलेज है जिसकी 2021 में फर्स्ट बैच गई थी। और उसका जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ रहा था 634 रहा था। EWS के लिए 628, OBC 630, SC कैटेगरी का 537 और ST कैटेगरी का 512। एम्स मदुरई तमिलनाडु राज्य से है। रुको जरा, सबर करो। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक ठोकें।